नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI के सहयोग से केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय 11 से 12 अप्रैल को डिब्रूगढ़ में जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन कर रहे हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल द्वारा किया जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI के साथ केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय 11 से 12 अप्रैल को असम के डिब्रूगढ़ जिले में जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की आकांक्षाओं के अनुरूप जलमार्ग सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहु मॉडल परियोजनाओं का तेजी से विकास करना है, ताकि आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय किया जा सके और रोजगार सृजन को बढ़ाया जा सके। जलमार्ग क्षेत्र संभावित रूप से सहयोग के माध्यम से हमारे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि ला सकता है। जलमार्ग सम्मेलन में देशों के बीच जलमार्ग क्षेत्र में सहयोग की नई संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। FICCI और ICC इस 2 दिवसीय सम्मेलन के लिए इस उद्योग में भागीदार हैं। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और 12 अप्रैल 2022 को इस उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए विशेष सत्रों के साथ सम्मेलन की योजना बनाई गई है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुआयामी परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने का इरादा रखता है, ताकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके और रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। बहुप्रतीक्षित सम्मेलन में जलमार्ग क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों द्वारा भाग लिया जाएगा, जिनमें नीति नियोजक शामिल है, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक, क्षेत्र विशेषज्ञ, बुनियादी ढांचे के खिलाड़ी, पोत मालिकों और ऑपरेटरों, क्रूज पर्यटन उद्योग, कार्गो यात्रियों, महापत्तनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ भारत के समुद्री राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। Hike in that budget also, and there is a lot of plan as a proposal also for developing this national waterway, including the construction of slipway, road connectivity, like that many proposal project is there. Already we are having a scheme and budget has been sanctioned for 149. News Desk Report, Assam Aditya. अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट शुक्रवार देर रात साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया। हैकरों ने CMO के ट्विटर हैंडल की DP और बैकग्राउंड वाली तस्वीर बदलने के साथ ही सैकड़ों यूजर्स को टैग करके कई ट्वीट भी कर दिए थे। शुक्रवार की देर रात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। हैक करने वाले ने अकाउंट की DP तक बदल दी और बहुत सारे यूजर्स को टैग करके कई सारे ट्वीट भी कर दिए। जानकारी के अनुसार CMO का अकाउंट करीब 12:30 बजे हैक कर लिया गया था। 1:10 पर अकाउंट फिर रिस्टोर होना शुरू हुआ। जैसे ही UP CMO का अकाउंट हैक होने की जानकारी ट्विटर यूजर्स को लगी, लोग स्क्रीनशॉट लेकर UP पुलिस, UP सरकार, केंद्र सरकार को टैग करते हुए शेयर करने लगे। मुख्यमंत्री कार्यालय को ट्विटर अकाउंट के हैक होने की खबर लगते ही इसे रिस्टोर करने की कवायद शुरू हो गई थी। करीब 1.5 घंटे बाद इसे ठीक कर लिया गया। हैकर ने जिस ट्वीट को पिन किया था उसमें एनिमेटेड तस्वीर बनाने के लिए ट्यूटोरियल की जानकारी दी गई थी। इसके साथ ही 3 स्टेप की प्रोसेस भी बताई गई थी। इसका एक लिंक भी दिया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रोफाइल का बायो भी बदल दिया गया था। इसमें CMO को बोर्ड एप YC और युगा लैब्स का ये संस्थापक बताया गया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।
कोरोना के नए वेरिएंट एक्सई का मामला सामने आया है। ये ओमिक्रॉन का एक उप वेरिएंट है जो अभी तक कोरोना वायरस का सबसे अधिक संक्रमणीय तनाव हो सकता है। गुजरात में भी कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक्सई सब वेरिएंट का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति में इसके संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के टॉप आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यहां एक्सएम वेरिएंट का भी एक मामला सामने आया है। इससे पहले गुरुवार को मुंबई में एक्सएम वेरिएंट का एक मामला सामने आया था। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब लीनेज है। देश के अलग अलग हिस्सों में ओमिक्रॉन के सब लीनेज मिल रहे हैं। हालांकि इस वेरिएंट के मिलने से अब तक कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की बात सामने नहीं आई है। मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इन वेरिएंट के असर को लेकर किसी ठोस नतीजे तक पहुंचने से पहले कुछ और स्टडी की जरूरत है। इसका आकलन फिलहाल जीनोमिक एक्सपर्ट और NCDC कर रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में विदेश यात्रा का इतिहास रखने वाले एक मरीज के एक्सई वेरिएंट वाले संपर्क होने की सूचना मिली थी, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहते हुए एक्सई वेरिएंट की रिपोर्ट का खंडन किया था कि मौजूदा सबूत नए वेरिएंट की उपस्थिति का प्रमाण नहीं देते हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 9 अप्रैल की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने सभी हिंदू स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। 1860 में पहली बार मनुष्य की आवाज रिकॉर्ड की गई थी। 1933 में कन्नड़ सिनेमा की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री प्रतिमा देवी का जन्म हुआ था। 1988 में ली पेंग चीन के प्रधानमंत्री बने थे। 2001 में अमेरिकी एयरलाइंस ने ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस का औपचारिक रूप से अधिग्रहण किया था और वो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई थी। 2005 में प्रिंस चार्ल्स ने कैमिला से विवाह किया था। 2011 में सरकार द्वारा लोकपाल कानून बनाने की मांग मान लेने के बाद अन्ना हजारे ने 95 घंटे से जारी अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया था। और आज ही के दिन सन 2020 में देश में कोरोना वायरस से 169 लोगों की मौत हुई थी और संक्रमितों की संख्या 5,865 के पार पहुंची थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।